हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आ गए हैं, जिस घर के बगल में एक प्यारा सा पार्क था, तो आज आपको पार्क घुमाने ले चलती हूँ। तो ये प्यारा सा डॉगी है जो हमेशा यहीं रहता है। मैंने एक टाइम इसको बिस्किट खिलाई थी पर आ सोया है, तो कोई बात नहीं। तो देख सकते हो ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है, मतलब बिल्कुल हरी भरी पार्क है। और सामने आप देख रहे हो यहाँ चिल्ड्रन पार्क है जहाँ बच्चे खेलते हैं, मतलब एक पार्क में यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए भी है, बच्चों के बैठने के लिए भी है, खेलने के लिए भी है, लोग भी बैठ सकते हैं, धूप सेक सकते हैं। और साथ में मतलब जितने भी एज मतलब कि ओल्ड एज वाले हैं वो ग्रुप मीटिंग भी कर सकते हो। तो हम एक एक करके सारे लोकेशन दिखाओगे। तो सबसे पहले ये चिल्ड्रन पार्क है, आप देख सकते हो वाकई में यहाँ बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ फूल बहुत ही अच्छी है, मतलब फ्लावर्स तो बहुत ही अच्छी अच्छी थी, तो आप देख सकते हो। और ये बहुत ही छोटी छोटी फूल थी, बहुत प्यारी थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये देख सकते हो आपका जो ये रास्ता बना है वाकई में बहुत खूबसूरत है। रास्ते के बीच बीच कहीं कहीं मतलब कि वो मिट्टी है और मिट्टी में घास है, तो देख सकते हो सब लोग बैठा हुआ है, मतलब वाकई में बहुत अच्छा लगा। और देख सकते हो यहाँ के हर एज के ग्रुप के एज के लोग मिलेंगे बैठे हुए ग्रुप डिस्कशन करते हुए। ये मुझे बहुत ही अजीब तरह का पेड़ दिखा, जो को मतलब बिल्कुल मतलब पतला सा है और बहुत ऊपर जाके मतलब उसके पत्ते थे। तो सबसे पहले देख सकते हो वाकई में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ही प्यारा यह पार्क लगा। तो अभी देख सकते हो मौसम है, मतलब बहुत ही मस्त मौसम है और सनसेट का टाइम है। तो देख सकते हो सूरज भगवान भी अब घर जाने के लिए रेडी है अपने दूसरी जगह पे। और देख सकते हो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ, मतलब हमेशा हर टाइप के आपको प्लांट दिखेंगे, ट्रीज दिखेंगे। तो आप देख सकते हो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये वाला पेड़ मैंने बचपन में देखा था, मैं पहले जहाँ रहती थी वो वाकई में बहुत अच्छा था, मतलब कि बहुत साल बाद मैंने ये पेड़ देखा है। और ये मैं बताई हूँ, ये है जहाँ लोग बैठ के ग्रुप डिस्कशन करते हैं। और सामने है एक्सरसाइज करने के लिए, जहाँ लोग एक्सरसाइज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आप अपने फिटनेस की बिल्कुल केयर करते हो। तो आराम से घर के जस्ट बगल में ही है मेरे, तो आप देख सकते हो मतलब कि सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब सबको अपनी फिटनेस की बहुत अच्छे से केयर है। और आप देख सकते हो, और अब आई है फ्लावर्स की टाइप, मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छी लगती है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स थे, मतलब बहुत सारे, एक वाइट में थे, एक ग्रे में, ग्रे सॉरी ग्रे नहीं होता, एक वाइट था, एक रेड में वाइट था, एक फिर कत्थे कलर का था, फिर एक येलो के साथ था, मतलब सबके साथ बाकी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग पसंद है। ये छोटकू फ्लावर है जो ये पटना में भी है मेरे घर में, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। तो इसकी भी वीडियोस में प्यारी सी बना ली, वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड फाइनली अब मैं पार्क से बाहर निकल रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपना थोबड़ा भी आप लोग को दिखा दूँ कि मैं कैसे लग रही हूँ। और पार्क घूमने मुझे बहुत मज़ा आया। और फाइनली वही जस्ट ही बगल में सब्जी लाने जा रहा था, सब्जी मंडी थी। तो अब हम लोग निकल चुके हैं पतली गली से, रास्ते में देख सकते हो मतलब यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। भैया बोला कि चलो एक यूनिक प्लेस से आपको लेके जाती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि यहाँ की सीढ़ियाँ इतनी चौड़ी चौड़ी थी कि मुझे देख के उतरना था, क्योंकि कहीं हम लुढ़कते तो लुढ़कते लुढ़कते सीधे नीचे आ जाते। तो देख सकते हो आप वहाँ से मैं यहाँ आई हूँ, मतलब वाकई में बहुत अच्छे हैं। और मुझे ये लोकेशन बहुत अच्छी लगती है। सामने एक छोटा सा पार्क था जो चिल्ड्रन पार्क है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन पार्क है। और फाइनली हम चौराहे पे आ चुके हैं, यहाँ डेकोरेशन किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, शिवाजी को सजाया गया है। तो फाइनली हम लोग सब्जी मंडी आ गए हैं, और देख सकते हो मतलब यहाँ से देखिए बहुत सब जगह टेंट लगा हुआ है और हरी हरी सब्जियाँ मिल रही है। और सनसेट ऑलमोस्ट डूबने की कगार पर आ चुकी है, तो फटाफट अब हम लोग सब्जी खरीद ले रहे हैं। और इतने क्राउडिंग के बाद हमको दिखा ऑरेंज ऑरेंज, और ये देख सकते हो गुआवा वाकई में बहुत अच्छा था। और ये सहजन मेरा तो फेवरेट है। फिर चने का साग भी दिखा, पर इतने अच्छे चने के साग नहीं थे। ये मूंगफली है जो आप उबाल के बहुत अच्छे तरीके से खा सकते हो, मतलब देख सकते हो बिल्कुल हरी हरी सब्जियाँ थी। और मुझे चना का साग खाने का बिल्कुल मन था, पर बिल्कुल ताज़ी नहीं थी, तो मैंने फिर बोला जाने दो। पर यहाँ देखी मैंने बहुत हरी हरी मतलब ताजी ताजी थी, तो मैंने भैया से बोला कि अब ले ही लो। साथ में करेला था, और देखते देखते मुझे इयररिंग्स दिखा। और जहाँ इयररिंग्स दिखा मैंने सोचा बाहुबली का दो इयररिंग्स तो ले ही लेती हूँ, मात्र 30 रुपीज में मैंने दो इयररिंग्स लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। और फाइनली देख सकते हैं सूरज भगवान ढल चुके हैं और शाम होने लगी है,
तो फाइनली हमारी सब्जी बिल्कुल खरीद चुके हैं सारी सब्जियां और घर जाने की टाइम आई। साथ में हमको डोसा और डोसा खाने का मन हो गया, पर यहाँ का डोसा बहुत ही क्यूट था, लूनी डोसा था जो बाकी में बहुत छोटको सा था, बहुत अच्छा लगा। तो देख सकते हो आप बहुत इजी वे में बन रहा है, मतलब कि आप चाहो तो घर पे भी बना सकते हो। तो मैं तो बस वीडियो बनाई कि आप लोगों को इजी रहे, बस उसको स्प्रेड नहीं करना है, बस छोड़ के मतलब उतना ही छोड़ देना है। और मुझे फिर समोसा भी खाने का मन किया, क्योंकि ये बिल्कुल जो समोसे वाले भैया थे वो बिहार से थे, तो मुझे यहाँ के वही टेस्ट अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो अब खा लेते हैं। क्योंकि भैया बोल रहा था कि जब वो कॉलेज में पढ़ता था तब से ये दुकान है, तो बोले कि चलो अब खा ही लेते हैं। और खाते खाते फिर रास्ते में शिव जी का मंदिर है, जो मैंने वीडियोस में ऑलरेडी बनाया है तो आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा कि चलिए दर्शन कर लेते हैं शिव जी का। तो आगे में यहाँ भजन हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, और शिव जी का दर्शन करते हुए अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। घर आए तो मिला झंगरी, झंगरी हम खरीद के लेके आए थे, और वाकई में देख सकते हो ये बिल्कुल इतना मीठा था, मतलब इतना मीठा कि ये सारे के सारे मैंने सब चट कर गए। और फाइनली देख सकते हो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, मतलब देख सकते हो इसके मतलब चने इतने मतलब मीठे थे, इतने हरे थे, फ्रेश थे कि मतलब मुझसे रहा ही नहीं गया, एक ही दिन में चट कर गए। और जो मैंने साग खरीदे थे अब उसे बनाने का टाइम आ गया है, क्योंकि साग भी खाने का मन था। तो फाइनली हम लोग साग बनाना शुरू करते हैं, और फटाफट हम लोग जितने भी मतलब वो डंठल है उसे हटा के फटाफट जितने भी सॉफ्ट पत्ती है वो रखेंगे, और साग के लिए तैयार हो गया। तो गाइस अब फटाफट साग तो अब मैंने खा ली हूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, मेरी वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें प्लीज़। ओके बाय बाय, टेक केयर। Son comparecencia, un vasito más para la indulgencia. Un abogado por si acaso, y si el juez está de paso, termina dictaminando la sentencia. Salimos presuntos de inocencia. Pasito para atrás por si nos arrepentimos. Si nadie es culpable, pues culpamos al destino con él. हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग निकल चुके हैं एक नए सफ़र में, जहाँ स्वामी नारायण टेंपल जा रहे हैं, मंदिर जो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। और फाइनली हम लोग डिसाइड किए कि आज ट्रेडिशनल लुक में जाने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हम तीनों आज कैसे लग रहे हैं। तो आप देख सकते हो हम लोग पहुंच गए हैं, और टेंपल वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब टेंपल की एरिया वाकई में बहुत ज़्यादा है। और देख सकते हो स्वामी नारायण मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं, याहू। और वाकई में टेंपल बहुत खूबसूरत थे। मैं यहाँ सेकंड टाइम आ रही हूँ, फर्स्ट टाइम अपने पूरी फैमिली के साथ आई थी, मौसमों से सब लोग थे। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और कैब से उतर चुके हैं, और कैब से उतरने के बाद थोड़ा सा शूट हो जाए, छुटकू सोई हुई है तो छुटकू की जगाने की कोशिश कर सकते हैं। और देख सकते हो टेंपल वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और अब हम लोग अंदर जाने की एंट्री कर रहे हैं। तो फाइनली छुटकू जग चुकी है, और छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परी आँख खोल चुकी है, क्योंकि वो भी बहुत एक्साइटेड है नारायण जी को देखने के लिए, और भाभी भी बहुत एक्साइटेड है, और हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो वीडियो के लास्ट के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे दृश्य दिखाने वाली हूँ, बहुत अच्छे अच्छे मतलब सीन दिखाने वाली हूँ, और नारायण मंदिर को पूरे अच्छे व्यू से दिखाने वाली हूँ। तो मेरे वीडियोस में आगे तक बने रहिए। We'll be right back.
और फाइनली हम लोग अपने स्लीपर्स खोल के अब मंदिर में एंट्री करने वाले हैं। तो वया हो, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि भाभी पहली बार आई है और मैं यहाँ आ चुकी हूँ। लेकिन ट्रेडिशनल लुक में ये मेरी प्लानिंग थी क्योंकि मुझे बहुत मन था ये साड़ी वेयर करने के लिए, तो ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत लगती है मुझे। तो चलिए हम मंदिर के ऊपर चलते हैं। और वहाँ फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं था, मतलब बाइक से अनाउंसमेंट हो रहा है कि बिल्कुल फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कुछ भी नहीं करना है। तो फाइनली अब मैं अपना मोबाइल पर्स में डाल लेती हूँ। और ये है लक्ष्मी जी का पांव, आप देख सकते हो, जिसमें इसमें सिक्के फेंकने से अपनी मनोकामना सभी पूर्ण होती है। तो मैंने भी एक सिक्का डाल दिया, मैंने भी अपने एक विश मांग लिए। तो आई मस्ट से ये वाकई में बहुत अच्छा सीन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ लक्ष्मी जी की पांव है, वाकई में बहुत सुंदर है। और भीड़ वाकई में बहुत था, मतलब अनएक्सपेक्टेड भीड़ था, मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि आज इतना भीड़ होने वाला है। और फाइनली छोटकू को देख सकते हैं, मतलब छोटकू जगने का नाम ही नहीं रही है। जग जाओ छोटू, जग जाओ, क्योंकि हम लोग घूमने वाले हैं। दर्शन हो गई, दर्शन अंदर बिल्कुल ही फ़ोटो और वीडियोग्राफी बिल्कुल मना था। तो मैंने सोचा चलो अब अच्छी अच्छी सीन तरीके से मैं आपको अच्छे अच्छे डायरेक्शन वे में अच्छे अच्छे से टेम्पल का एंगल लेते हुए अच्छे से दर्शन करवाती हूँ। Son comparecencias, un vasito más para la indulgencia. Un abogado por si acaso, y si el juez está de paso, termina dictaminando la sentencia. Salimos presuntos de inocencia. अच्छे से वीडियोस मैंने भैया से बोला कि भैया एक वीडियोस ले लो, मतलब कि मैं एक्चुअली मैं बहुत ही रेयर केस में ही वीडियोस में आ सकती हूँ, मतलब पूरे फुल व्यू में आती हूँ, क्योंकि सेल्फी और वीडियो तो ले लेती हूँ। पर भैया से बोला कि मैं भैया एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से व्यू में मेरा एक वीडियो बना दो, ताकि दर्शक जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं सब लोग मुझे देख ले कि हमें बहुत ज़्यादा खुश है और मस्ती कर रहे हैं। मतलब यहाँ आने के बाद इतनी सुकून मिल रही है कि घर जाने का बिल्कुल ही नाम लेने का मूड ही नहीं बनता है, मतलब बिल्कुल इच्छा ही नहीं करता कि घर भी जाना है। जी कहता है कि दिन भर मंदिर में बैठे रहे। और फाइनली इतने अच्छे व्यूज़ और लोकेशन के बाद अब हम लोग का जाने का टाइम आ गया है। तो भैया से बोले एक प्यारा सा भाभी और ननद का एक प्यारा सा वीडियोस ले लो। और फाइनली ये बुल फाइट या प्यार पता नहीं इसे क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता है, बुल पे बैठ के। और ये महाराज जी बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब एक बार पलटी ले चुके थे लेकिन फिर भी इनको होश ठिकाने नहीं आया। और ये फिर भी बोले कि मैं बैठूँगा, ठीक है, मुझे तो देख के चक्कर आ रहे थे वहाँ बैठ के। और देख सकते हैं मतलब यहाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, मतलब आराम से बच्चे खेल सकते हैं। मतलब आपको अच्छे से दर्शन करना है तो अपने बच्चों को यहाँ मतलब कि खेलने के लिए रख दिया जाए और आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं।
तो फाइनली एक छोटा सा भीम चेतन आया जो बुल पे बैठ चुका है, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, फाइनली खुश हो जाएगा और गिरने वाला ये, इसको चक्कर आ रहा है, गिर गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, मेरी वीडियोज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और प्लीज याद से सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों को भी बोलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके बाय बाय, टेक केयर। Últimamente no entra en la son comparecencia, un vasito más para la indulgencia. Un abogado por si acaso, y si el juez está de paso a terminar dictaminando la sentencia. Salimos presuntos de inocencia.
वीडियो बना लेती हूँ नंदी भगवान जी के लिए, क्योंकि आज नंदी भगवान जी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। बाहर निकलते हैं, बाहर जैसे ही निकले मुझे प्यार से एक नया दोस्त मिल गया। पता नहीं मैंने इसे जर्ज बोला कि बच्चा कैसे हो, तो तब से बच्चा मेरे ही पास है, तो मुझे अब रहा नहीं गया। बच्चा को जरूर कुछ मुझसे उम्मीद होगी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब बच्चे को थोड़ी बिस्किट खिला देते हैं। कि सडनली जैसे ही मैं सीन हेलो एवरीवन। तो ये है पार्ट टू पार्वती हिल टेंपल की। तो पार्ट वन जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है फटाफट देख लीजिए, और मैं बाकी की लोकेशन आपको दिखाने वाली हूँ जो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और देख सकते हो वाकई में बहुत खूबसूरत मंदिर है, और यहाँ शांति थी और इतने खूबसूरत हवा चल रही थी, मतलब बहुत अच्छी हवा चल रही थी, और यहाँ सुकून तो बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ, एनर्जेटिक फील हो रहा था, लग रहा था कि हमारे अंदर बहुत सारे पावर आ गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं भगवान जी का दर्शन करवाने, और अब चलिए कार्तिक भगवान की मैं दर्शन करवा देती हूँ। ये वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत
मंदिर है, मतलब बहुत ही अच्छा। और देख सकते हो यहाँ कार्तिक भगवान जी का कैसे जन्म हुआ, कैसा उनका विकास हुआ, उनकी सारी कथा एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से वॉल पे पेंटिंग के थ्रू बताया गया, दर्शाया गया लोगों को कि आप बस थ्रू द पेंटिंग आप ये समझ सकते हो कि कार्तिक भगवान का कैसे जन्म हुआ, उनका आगे की कहानी क्या थी। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी, मतलब एक पेंटिंग के थ्रू ही पूरी कहानी, मतलब जन्म से लेके एट द एंड तक पूरी कहानी बताई गई कि कार्तिक भगवान की क्या क्या रोज़ थी, मतलब उन्होंने क्या क्या किया, कैसे जन्म लिया, बाकी हर एक चीज़ जो देख के मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। और ये है मंदिर सूर्य भगवान की, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए और जिनको जो विश मांगना है आप विश मांग लीजिए। सुना है यहाँ सारी विशेस पूरी होती है, तो मैंने भी विशेस मांग ली है। और अंकल जी को नन्ही परी बहुत अच्छी लगी, तो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हुई नन्ही परी, फिर रोने लगी। और देख सकते हो मतलब ये मंदिर आउटस्टैंडिंग था, मतलब बहुत खूबसूरत मंदिर। और जस्ट बगल में विठल जी का मंदिर था, वहाँ भी हम लोग दर्शन करके माथा टेक लिए। और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से ये मंदिर डेकोरेट किया गया था, मुझे बहुत अच्छी लगी। और देख सकते हो मतलब बहुत ही अच्छी, मतलब मंदिर वाकई में बहुत ज़्यादा पुरानी थी। उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए पेशवा का म्यूज़ियम भी है यहाँ, पेशवा के उस समय की हर एक चीज़ थी। और वहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी और एक पर्सन का 20 रुपये लग रहा था, तो फिर हम लोग बस ऐसे ही विज़िट करके बाहर निकल गए। यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो मैंने बस प्यारी से अपनी वीडियोस बना ली। और टेंपल बहुत खूबसूरत है, जिन्होंने अभी तक विज़िट नहीं किया है पुणे में रह के, तो ये वाकई में बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, फ़ोटोग्राफी के लिए। और जिन्हें नेचर से पसंद है, सनसेट देखना है, तो आप देखिए आइए, मतलब जब सनसेट का टाइमिंग हो तब आइए। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे, स्लोमो बना रहे थे, तो मैंने भी एक प्यारी सी वीडियो बना ली। और यहाँ बहुत सारे मतलब इकट्ठे एक ही जगह पे बहुत सारे टेंपल्स थे, हर भगवान के टेंपल थे। तो फाइनली हम लोग विष्णु जी के मंदिर आ गए हैं। और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मतलब उनके हर एक कहानी के बारे में बताया गया था थ्रू पिक्चर्स। और ये है विष्णु जी का मूर्ति, जो बहुत ही मुझे अच्छा लगा और मैंने बहुत अच्छे से वीडियोग्राफी की, ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख सके कैसे क्या हुआ था उनके लिए, मतलब क्या कहानी थी। और पंडित जी ने मुझे फूल दिए, तो मैं फूल दिखा रही हूँ कि मुझे फाइनली विष्णु जी का प्रसाद मिल गया है। और फाइनली हम लोग मंदिर से निकल गए हैं और ऑल ओवर मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। Últimamente no entra charla son comparecencia, un vasito más para la indulgencia. और ऑल ओवर मैं मंदिर का दर्शन करवाने जा रही हूँ आप लोगों को, तो देख सकते हैं मतलब बहुत अच्छा था, मुझे बहुत सुकून मिला। और आई विश कि जब भी मैं फिर नेक्स्ट टाइम पुणे आऊँ तो यहाँ ज़रूर दर्शन करने आऊँ। और बहुत ज़्यादा पतझड़ की टाइम थी, तो बस पेड़ों पर फूल खिली थी, एक भी पत्ते नहीं थे, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा।
और देख सकते हो मतलब यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन अभी कंटिन्यू है, कुछ चीज़ें अच्छे से बनाए जा रहे हैं और शाम होने को आ गई है। अब बारी आई है कि हम लोग उतरे कैसे, तो बच्चे तो बस ऐसे ही कूद कूद के उतर रहे थे और हम भाभी बहुत ज़्यादा थक गए थे। और लौटते समय हमारे चौराहे पे छत्रपति शिवाजी का आज जन्म दिवस था और बहुत उत्साह में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। हम लोग बस मिस कर दिए इस चीज़ को, पर मैंने एक प्यारी सी वीडियोस बना ली हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरी वीडियोस कैसे लगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, मेरी वीडियोस कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू सो मच। Son comparecencia, un vasito más para la indulgencia. Un abogado por si acaso y si el juez está de paso termina dictaminando la sentencia. Salimos presuntos de inocencia. Pasito para atrás por si nos arrepentimos. Si nadie es culpable pues culpamos al destino con el. हेलो एवरीवन, तो आज हम और बबलू भैया निकल चुके हैं एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में जो प्लैनेट 9 है, और देख सकते हो हम लोग वाकई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो चलिए देखते हैं, रास्ते का कुछ सफ़र दिखा देती हूँ मैं। तो देख सकते हो यहाँ दूर दूर तक बहुत ही माउंटेन, प्यारी प्यारी माउंटेन दिखती है और रोड बहुत ही अच्छी है, मतलब वाकई में बहुत पसंद है मुझे, वाकई में मतलब पुणे बहुत ही अच्छा है। और लगता है कि अब मेरे पास हार्डली एक वीक ही रह गया है पुणे के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि जितनी भी प्लेस है, खूबसूरत प्लेस है, मैं सब कुछ आपको दिखा दूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ वॉल पेंट है जो वाकई में बहुत खूबसूरत लगा, मतलब दोनों साइड था पुल था, ये बीच में रास्ता है और दोनों साइड बहुत ही अच्छे मतलब एनिमल्स बने हुए हैं, और वाकई में बहुत आउटस्टैंडिंग पेंटिंग थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने वीडियोस बना लिए ताकि आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से देख सकें। तो गाइज़ हम लोग प्लैनेट 9 एलिमेंट्री किचन्स एंड बार में पहुंच चुके हैं। तो देख सकते हो बहुत ही वाकई में बहुत खूबसूरत थे और देखने में आउटलुक बहुत अच्छा लगा। तो अब लोग हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ मतलब हर टाइप का प्लेस है, वाटर में है, थंडर में है, सैंड में है, एयर में है, अर्थ में है, मतलब आप किसी भी सीट पर बैठ सकते हो। ये प्लैनेट 9 का लोगो है जो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो फाइनली हम लोग बुकिंग किए हुए थे पहले से ही, तो हम लोग आ चुके हैं और देख सकते हो वाकई में बहुत अच्छा, मतलब मुझे वाकई में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट लगा। एक्चुअली ये रेस्टोरेंट नहीं, ये एक तरह का आप बार कहोगे, पर मेरे लिए रेस्टोरेंट है क्योंकि हम बबले भैया के साथ आए हैं। तो वाकई में मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि हम लोग कन्फ्यूज़न थे कि हम लोग कहाँ बैठे, तो सैंड में बैठे या फिर आप अर्थ में भी बैठ सकते हो, ये आपका अर्थ का था, बहुत सुंदर। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, वो भैया दिखा रहे थे कि चलिए आप वाटर में देख लीजिए, तो वाटर का देख सकते हो वो मछली है प्यारी सी फिर से, और नीचे पूरे पानी में आपका बैठने के लिए प्लेस थे।
तो मेरी तबीयत एक्चुअली ख़राब थी, तो हम लोग एयर में बैठे, हवा में, हम लोग फ्लोर पे बैठे हैं और बस हम ही दोनों दिख रहे हैं और कोई दिख नहीं रहा था। तो मैंने बबलू भैया से बोला कि चलिए मैं आपकी वीडियोस बना लेती हूँ। तो बबलू भैया सबको हाय बोल रहे हैं, तो आप लोग भी बबलू भैया को हाय बोल दीजिए। और लोकेशन मुझे वाकई में बहुत पसंद है और लग गई थी भूख, हम लोग ऑर्डर भी कर लिए थे। तो आ गया था मेरे पकौड़े जो वाकई में बहुत टेस्टी थे। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सोचा रेस्टोरेंट के मैं पकौड़े खा के खाने आई हूँ। ये अनियन का सलाद इतनी अच्छी थी, मतलब बहुत ये स्पाइसी पकौड़े हैं, मतलब पता ही किस चीज़ से बनी हुई थी मुझे नहीं पता है। मैंने पूछने की भैया से कोशिश भी की तो भैया मुस्कुरा के बोले कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो तो स्टाफ थे, मास्टर से तो थे नहीं कि वो बताएंगे। और ये बबलू भाई का फेवरेट जो था सोया चॉप, आई डोंट नो सोया चॉप था या सोया चॉप था, लेकिन जो भी था ये भी यमे था। ये मतलब हाई प्रोटीनस था और देखने में बहुत ही डिलीशियस था। तो हम लोग दोनों भैया को हम वही पूछ रहे थे, तो भैया मुस्कुरा रहे हैं। तो हमारा स्टार्टर आ चुका है और हम लोग अब खाने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखने में वाकई बहुत ही डिलीशियस था, पर बहुत ही हाईली मतलब स्पाइसी था और मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली पड़ी हुई थी, लेकिन देख के मुझे बहुत टेस्टी लगा। तो साथ में ये और साथ में बबलू भैया की मनपसंद मॉकटेल जो देखने में वाकई में बहुत ही डिलीशियस लग रही थी, पर इसमें आइस डाली हुई थी तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। तो अब टाइम आया अब हम लोग का मेन मेन्यू लेने के लिए। तो हम लोग लिए थे प्यारा सा, पता नहीं ये भी कुछ मतलब यहाँ कुछ टेस्ट तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन देखने में वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ये भी बेबी कॉर्न टाइप में ही था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, मतलब डिलीशियस लग रहा था। तो हम लोग बेबी कॉर्न के ही टाइप में मैंने कुछ मांगा था, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ खाने का बहुत ही मन हो रहा था स्पाइसी खाने का। एक तरफ से आज मन भी हो रहा था नहीं भी हो रहा था, क्योंकि हम कन्फ्यूज में थे कि हम क्या खाएं। तो आप देख सकते हो देखने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है। तो चलिए टेस्ट करके बताते हैं कि कैसे लग रही है। और वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ फ्राइड राइस भी बहुत ही अच्छे तरीके से पके हुए थे। और फाइनली आप देख सकते हो कि ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा हॉट चिल्ली लग रहा था और देखने में बहुत ही यम्मी लग रहा था। तो फाइनली अब हम लोग खाने स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो लेट्स स्टार्ट फॉर ईटिंग, याहो। अब चलिए मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। मेरा एक्चुअली खाना कंप्लीट हो गया था लंच, तो मैंने सोचा कि अच्छे से प्लैनेट टाइट को अच्छे से आप लोग विज़िट करो और देख लो। सबसे पहले मैं सब कुछ अच्छे से क्लियरली दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग कभी आओ तो आप में कन्फ्यूज़न नहीं रहे। आप ये डेज़र्ट है, आप डेज़र्ट में भी बैठ सकते हो। ये अर्थ है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थे, एकदम ग्रीन 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 ग्रीन, अब वो डेज़र्ट था। ये अर्थ है देख सकते हो, मतलब वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, मतलब डेकोरेशन वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं वाटर की तरफ जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। और आ चुके हैं, ये है बार जो नाइट में ओपन होता है। तो एक्चुअली इसकी मतलब डेकोरेशन लाइटिंग मुझे अच्छी लगी, तो आप देख सकते हो वीडियोस में। एक्चुअली ये नाइट में ओपन होती है। ये है मेरा फेवरेट जो वाटर वाला था, पर मैं बैठ नहीं पाई, लेकिन कोई बात नहीं, आप वीडियोस देख सकते हो। आप जब भी विज़िट करो वाटर में घुस के आराम से खाना खाओ, मतलब बहुत ही खूबसूरत था। ऊपर मछली तैर रही थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा खाना, मतलब खाना का रेंज देखें तो मतलब रेंज तो बहुत ही हाई था अकॉर्डिंग टू ये उसके टेस्ट, जो टेस्ट थे उसके अकॉर्डिंग रेंज बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो खाने के मामले में मुझे लगा कि जितना अच्छा ये डेकोरेशन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो और फाइनली बबलू भाई मेरे वीडियोज़ बना रहे हैं और देख सकते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसी कि इसी पल के लिए मैंने ये आउटफिट लिया था। और फाइनली देख सकते हो, और ये रहा एंजल, तो मैं बन गई हूँ प्यारी सी एंजल। और ये रहा लोगो, मतलब बहुत ही अच्छा डेकोरेशन। आप कहो तो मतलब डेकोरेशन में चाहे
जो भी कहो, मतलब कि बाकी सब कुछ परफेक्ट था, पर मुझे खाना यहाँ की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी नहीं। टेस्ट बिल्कुल, मतलब ये इतनी चिल्ली, मतलब इतनी स्पाइसी थी कि वो टेस्ट बिल्कुल हाइड हो जा रहा था। तो फाइनली अब लोग, हम लोग बाहर आ चुके हैं और अपने कैब का वेट कर रहे हैं। तो ये है आउटलुक बाहर का प्लैनेट टाइम। ओके प्लैनेट टाइम, बाय, सी यू। और दोबारा हम आपसे कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि स्पेशली मैंने खाने के लिए ही यहाँ आई थी। तो फाइनली एक राउंड में बना लेती हूँ। बबलू भैया भी खुश हैं कि वीडियो बन गई फाइनली। और मेरी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट बबलू भैया किए हैं, थैंक यू सो मच बबलू भैया। और देख सकते हो, मतलब वाकई में बहुत ही अच्छी सीन है, बहुत ज़्यादा अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरी वीडियोज़ कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियोज़ पे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, स्पेशली सब्सक्राइब कर ले। ओके बाय बाय फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, तो आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आ गई हूँ पुणे के ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन में, और देख सकते हो यहाँ हम एंट्री कर चुके हैं, और ये है प्रवेश द्वार जो यहाँ से एंट्री करके टिकट लेनी होती है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ का सफ़र शुरू करते हैं। तो देख सकते हो, मतलब ये छोटे छोटे बम्बू को काट के सिस्टमेटिक वे से अरेंज करके ये पाथ बनाया गया है, जो मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा हर गार्डन के अकॉर्डिंग। और फाइनली हम और बबलू भैया एंट्री कर चुके हैं, और हम तो वाकई में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। तो चलिए देखते हैं, अब टिकट काटते हैं। और एंट्री कर चुके हैं, और आप देख सकते हो ये अपने कि पौधे को काट के वेलकम लिखा गया है एक अच्छे वे में, जो मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। और यहाँ इतनी हरियाली थी कि मुझे वाकई में ये प्लेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे प्लांट्स, एनिमल्स ये सब बहुत पसंद है। और यहाँ था बोर्ड जो लिखा हुआ था पुणे ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन, और ये फ्लावर्स पर्पल कलर की जो बहुत छोटी होती है बहुत अट्रैक्टिव होती है। और देख सकते हो, मतलब यहाँ बहुत सारे पेड़ भी थे, झाड़ियाँ भी थी, झाड़ियाँ को इस तरीके से कट किया गया था कि वो एक शेप में कर दिया गया था, जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। तो चलिए आगे का वीडियोस हम इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं। तो देख सकते हो यहाँ एक बहुत खूबसूरत बना हुआ था प्लेस, जो आप बैठ के बातें कर सकते हो, पर सनलाइट की वजह से यहाँ बिल्कुल खाली था। तो इस मौके को फ़ायदा उठाते हुए मैंने छोटी सी अपनी वीडियो बना ली, जो वाकई में बहुत खूबसूरत है, और सनलाइट के प्रेजेंस में वाकई में बहुत ज़्यादा चमक रही थी तो ये जोक था, तो एनीवे बात हटाइए और आगे के लिए बढ़ते हैं। तो देख सकते हो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा मैं खुश थी, क्योंकि आई लव नेचर्स, मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं जू भी जाती हूँ और इसीलिए मैं गार्डन भी जाती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़, तो मुझे लगी कि ज़्यादा भीड़ थी, पर थैंक गॉड की भीड़ ज़्यादा नहीं थी। तो और बल्कि मैं क्या बताऊँ, आप देख सकते हो, मतलब ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। फोटोशूट देखते ही मेरे मन में ख्याल आया कि सबसे पहले मैं वीडियो ख़त्म करके बबलू भैया से यही डिस्कशन कर रही थी कि वीडियो ख़त्म होते ही मेरी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कीजिएगा। और ये नज़ारा तो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब यहाँ के हर एक नज़ारे, हर एक एंगल मुझे बहुत अच्छे लगे। मतलब यहाँ लोग हैंगिंग पे बैठ भी सकते हैं, और देख सकते हो, मतलब कि आप दूर दूर तक देख सकते हैं, आपको हमेशा ग्रीन 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 दिखेगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा, मतलब। और आप देख सकते तो हो, एक बहुत दूर से एक जगह दिख रहा था, एक ऊपर, उसी को ओकायामा कहते हैं, वो एक
आई थिंक जापानीज नाम है, मैंने सर्च किया था गूगल पे, ओकायामा प्लेस भी है जापान में, और अब हम लोग जाने वाले हैं। तो देख सकते हो मेरी खुशी आपको दिख ही रही होगी, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और देख सकते हो मैं फाइनली उस जगह पे जा रही हूँ जो इस पार्क की जान है, शान है। तो अब हम चलते हैं सीढ़ियों पे, प्यारी प्यारी सीढ़ियों पे चढ़ते हुए। सीढ़ियाँ बहुत प्यारी थी, क्यूट थी, एकदम छोटी छोटी सी। इसके जो कंस्ट्रक्शन थे वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी है। और देख सकते हो मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा इतने ही देर में थक गई थी। तो चलिए अब हम आपको ऊपर तक जाके दिखाते हैं। याहो, और फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। और यहाँ से लोकेशन जो मुझे दिखा, ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन, मतलब बहुत ही ज़बरदार लोकेशन थी, मतलब जहाँ भी देखो हरा भरा। और फाइनली अब मैं वहाँ से उतर रही हूँ, मतलब एक डायरेक्शन में था चढ़ने का एंड सेम अपोजिट डायरेक्शन में था वहाँ से आप उतर जाओ। तो ये वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब वाकई में फैबुलस प्लेस है, मतलब बहुत अच्छा ये लोकेशन, ये सीन तो मुझे बहुत अच्छा लगे। क्योंकि कौवा नहान क्या होता है ये मैंने पहली बार देखा है, इसे कहते हैं कौवा नहान। हल्के पानी में बस डुबकी लगाओ और एकदम नहा लो। यहाँ लाइन से कौवे बैठे हुए थे और नहा रहे थे, मुझे वाकई में बहुत खूबसूरत लगा ये सीन भी। और फाइनली मैं आपको पूरी रिव्यू दिखा रही हूँ पार्क की, जो वाकई में बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, मतलब बहुत ही खूबसूरत। और फाइनली मैंने आपको हर एक एंगल से दिखा दी हूँ ओकायामा फ्रेंड्स गार्डन के बारे में, जो वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो आई मस्ट से आप लोग विज़िट करें। और हम लोग को अब निकलने का वक्त हो गया है और हमने बहुत सारे फ़ोटोशूट भी कर ली। तो जब आप जाइएगा तो यहाँ धन्यवाद लिखा होगा, तो आई मस्ट से कि आप लोग एक बार ज़रूर आके विज़िट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। Si el juez está de paso, termina dictaminando la sentencia. Salimos presuntos de inocencia. Pasito para atrás por si no arrepentimos. Si nadie es culpable, pues culpamos al destino con el juez.